शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। नागपुर शहर के गुन्हे शाखा विभाग ने एक नन्हे बच्चे का जन्मदिन मनाकर उसके चेहरे पर खुशी लाई। शहर में कोरोना का कहर जारी है, इस परिस्थिति में शहर के लोग डर के जी रहे हैं। सभी ओर सन्नाटा सा छाया हुआ है। कोरोना का संक्रमण बढ़े नहीं, इसीलिए सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की है। बीते एक महीने से शहर में सभी दुकानें बंद है, सभी त्योहार घर पर ही मनाए जा रहे हैं। बड़े तो ठीक, मगर बच्चे कहाँ समझने वाले हैं। ऐसा ही नन्ना बच्चा शहर के सोने गांव में रहता है, उसका नाम निर्भय देशमुख है। निर्भय का शुक्रवार को जन्मदिन था। हर साल निर्भय अपने घर पर छोटे छोटे दोस्तों के साथ केक काट कर अपना जन्मदिन मनाता था, मगर इस साल लॉकडाउन के कारण वो अपना जन्मदिन अपने दोस्तों के साथ नहीं मना पाया, ना ही लॉकडाउन के कारण केक काट पाया। उसके मन में इच्छा रह गई। इस साल उसने केक नहीं काटा, मगर उसकी ये इच्छा शहर के गुन्हा शाखा विभाग ने पूर्ण कर दी। लॉकडाउन के चलते शहर के लोग घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, साथ ही सभी दुकानें बंद है। इसी को देख गुन्हे शाखा के राजमा ने इन्होंने पहल शुरू की है कि शहर में किसी का भी जन्मदिन हो, उसकी जानकारी अगर उन्हें पता चले तो गुन्हे शाखा की एक टीम उन्हें सरप्राइज बर्थडे मनाएगी। ऐसा ही एक सरप्राइज शुक्रवार को देशमुख परिवार को मिला। गुन्हे शाखा को जानकारी मिली कि आज देशमुख परिवार के एक छोटे बच्चे का जन्मदिन है, तो क्या शाम 7 बजे के करीब गुन्हे शाखा की टीम घर पहुंची और देशमुख परिवार को सरप्राइज दिया गया। परिवार के लोग जब घर से निकले, हर बार सख्ती में रहने वाले पुलिस उनके सामने केक लिए खड़े थे। सभी को आश्चर्य लगा। फिर उन्होंने निर्भय को जन्मदिन की बधाई देते हुए उसे केक कटवाया। केक काटते ही इस छोटे बच्चे के चेहरे पर खुशी साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। पुलिस के साथ ही परिसर के सभी लोगों ने इस नन्हे बच्चे का जन्मदिन मनाया। ये जन्मदिन इस छोटे बच्चे को हमेशा हमेशा याद रहेगा। पुलिस के इस पहल के परिसर के लोगों ने सराहना की और एक बच्चे के चेहरे पर खुशी दी। इस समय PI पिंदुरकर सर के मार्गदर्शन में PSI चौरसिया, PSI त्रिपाठी और स्टाफ ने अपनी आवासीय कॉलोनी में 5 साल के बच्चे निर्भय देशमुख RO सहकार नगर सोनेगांव का जन्मदिन मनाया। पुलिस विभाग की तरफ से उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए परिवार हैरान था। उन्होंने कहा कि परिवार ने सभी पुलिस कर्मियों को उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद दिया है। इस कार्यक्रम के लिए हमने कॉलोनी के लोगों को लॉकडाउन का पालन करने और आवश्यक अवसरों पर सामाजिक दूरी बनाए रखने और उनके महत्वपूर्ण समर्थन की अपील की है। आमचे जे साहेब है DCP गजानन राजमाने सर, त्यांना आम्ही सांगितलं या मुलाचा वाढदिवस आहे, तर साहेबांनी आम्हाला म्हटलं की तुम्ही लोक जा आणि तिथे सेलिब्रेट करा। ते काही बाहेर जाऊन तर सेलिब्रेट करू शकत नाही, तर त्यांचा वाढदिवस चांगल्या प्रकारे साजरा करा, त्यासोबत सोशल डिस्टन्सिंग पण मेंटेन करा। त्यासाठी आम्ही वाढदिवस साजरा करण्यासाठी आलो आणि या प्रोग्रामच्या मार्फतीने आम्हाला सोशल डिस्टन्सिंगबद्दल आणि जी कोरोना चालू आहे त्याबद्दल पण मार्गदर्शन करायचं आहे। आमचे PSI त्रिपाठी सर आहे, ते आपल्याला मार्गदर्शन पण करतील आणि 2 गाणे पण म्हणतील। आणि जरुरी, एकदम खूप जरुरी असल्याशिवाय बाजारपेठात वगैरे हे जे सार्वजनिक ठिकाण आहे हे थोडेसे अवॉइड केले पाहिजे। एकदम जरुरी असल्यावर हे जेव्हा एकदम जरुरी आहे तेव्हाच घराच्या बाहेर निघा, नाहीतर घरातच राहा, TV वगैरे बघत राहा किंवा इतर टाइमपास म्हणजे कुठल्या तरी आपली हॉबी डेव्हलप करा, बुक्स रीडिंग करा आणि घरातच राहा। म्हणजे म्हणण्याचा उद्देश एवढंच आहे की आपण जेवढं जास्तीत जास्त घरात राहणार तर लोकांच्या संपर्कात येणार नाही, तर हे पसरण्याची जी आहे ते नलिफाय होऊन जाणार आहे। ठीक आहे। कॅमेरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागडे के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट, NBCN न्यूज नागपूर।